जी दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। Xiaomi कंपनी ने अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जो कि है Mi Mix 4 करके। ये ना अभी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है, अभी इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं, पर चांसेस हैं पूरे पूरे इंडिया में आने के। और भाई इस स्मार्टफोन में ना आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर मिलते हैं, मतलब आपने भाई सोची नहीं होगी आपको इतने बढ़िया बढ़िया इसमें फ़ीचर मिलते हैं। एक प्राइस रेंज भी इसका है जो होना चाहिए इनिशिएट, वो है चाइना में। यहाँ पे तो भाई पता नहीं किस प्राइस में आएगा, जब भी आएगा स्मार्टफोन। वैसे ना आपको इसमें फीचर काफ़ी बढ़िया मिलते हैं, चीज़ें आपको काफ़ी बढ़िया इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलती हैं। तो आज बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में, जानने वाले हैं चीज़ें। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें, और सबसे पहले जानते हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो देखो, आपको ना कुछ ऐसा बॉक्स मिलेगा, इतना बड़ा ब्लैक कलर का आपको बॉक्स मिलेगा। अंदर की साइड ना आपको इसमें स्मार्टफोन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको तीन छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं। इनमें क्या है, इनमें देखो एक में केस है, एक में चार्जर, एक में चार्जर केबल है। मतलब एक एक इनिशिएट बॉक्स कंपनी ने प्रोवाइड किया है अलग अलग एसेसरीज के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, और पैकेजिंग भी भाई काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है जो आप देख भी रहे हैं। सो काफ़ी बढ़िया लगी भाई पैकेजिंग। तो देन दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के लुक एंड डिज़ाइन के मामले में। तो देखो, लुक एंड डिज़ाइन के मामले में भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है। मतलब एक शाइनी आपको ब्लैक मिलती है, क्योंकि बैक ना आपको इसमें जो मिलती है वो सेरेमिक बैक। तो ये भी चीज़ काफ़ी बढ़िया है, जिसकी वजह से ना स्मार्टफोन थोड़ा हैवी फील होता है, बट लुक जो है काफ़ी अमेजिंग देता है। और बैक साइड में ना आपको फिंगरप्रिंट तो भाई दिखेंगे, मतलब इसकी जो बैक है ना स्लिम है, ठीक है, बट इसमें ना फिंगरप्रिंट आपको दिखेंगे, आपके फिंगरप्रिंट लगेंगे। तो भाई केस लगा के इसको आप यूज़ करें, नहीं वैसे तो थोड़ा भद्दा लगेगा भाई फ़ोन जो है अगर फिंगरप्रिंट जमेंगे तो। और ये पूरा स्मार्टफोन ही भाई आपको कर्व स्मार्टफोन मिलता है, मतलब इसका जो फ्रेम वाली जगह देखो ये पूरा कर्व्ड है, मतलब थोड़ा सा गोलाई में है। तो ऐसा कुछ ही आपको स्मार्टफोन मिलता है। बिल्ड क्वालिटी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देन वही बात करें इस स्मार्टफोन के पोर्ट्स एंड बटन के बारे में। तो देखो, आपको ना इसमें ऑल पोर्ट्स एंड बटन मिलते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड आपको इसमें IR ब्लास्टर का सपोर्ट मिलता है, तो आपका स्मार्टफोन रिमोट बन जाएगा भाई किसी भी चीज़ का। तो Xiaomi के स्मार्टफोन में ना भाई यही चीज़ है कि उसमें IR ब्लास्टर मिलता है, सो रिमोट बना देते हैं वो अपने स्मार्टफोन को। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और इसमें जो सिम जो है ना, वो आप दो नैनो सिम लगा सकते हो, ना कि कोई SD कार्ड वगैरह आप इसमें लगा नहीं पाओगे, तो इतनी इसमें जगह नहीं है। वैसे आपको ना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना ये स्मार्टफोन भाई चार वेरिएंट में मिलता है, तो आप अपने हिसाब से इसको परचेस कर सकते हैं। देखो, एक 8128, एक 8256, एक 12256, एक 12512, मतलब समझ रहे हो कितनी ज़्यादा भाई स्टोरेज मिलती है आपको। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई SD कार्ड की। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, बस थोड़ा प्राइस रेंज हाई होता जाएगा जैसे जैसे आप इसका वेरिएंट चूज़ करोगे। तो ये भी चीज़ है। देन दोस्तों, आपको ना इसकी सामने वाली डिस्प्ले पे, मतलब आपको फ्रंट पे ही एक अंडर डिस्प्ले आपको कैमरा मिलता है, और भाई वो दिखता भी नहीं है, जो फ्रंट कैमरा होता है वो आपको दिखता भी नहीं है, बट काम पूरा करता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी, मतलब Xiaomi कंपनी ने काफ़ी अलग चीज़ निकाली है कि भाई कैमरा दिखता भी नहीं है। वैसे ना और भी भाई और आए थे स्मार्टफोन, उनमें अंडर डिस्प्ले कैमरा होता है, फोल्डेबल जो स्मार्टफोन थे, बट उनमें कैमरा दिखता है बाहर से, बट इसमें आपको कैमरा दिखेगा भी नहीं। ये भी चीज़ काफ़ी बढ़िया, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है Xiaomi ने। सो ये चीज़ इंप्रेसिव लगी। देन दोस्तों, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे इसके बेजल्स के बारे में। तो भाई आप बेजल्स देख सकते हो, बिल्कुल स्लिम है, मतलब आप बोल सकते हो भाई स्मार्टफोन बेजल लेस स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है। देखो, नए नए जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें बेजल्स भी आपको मिलते नहीं है, तो लुक काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, भाई क्या साइज़ होने वाला है। तो देखो, आपको ना इसमें 6.67 इंच की FHD+ स्क्रीन की आपको डिस्प्ले मिलती है, 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 480Hz का आपको इसमें टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है, HDR10+ का आपको इसमें सपोर्ट भी मिलता है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का भी आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। तो देख रहे हो आपको क्या क्या कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, 120Hz रिफ्रेश रेट, तो कहीं भी आपको लैग वगैरह कहीं भी आपको आएगा नहीं, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स। तो ऐसा होता ना भाई स्मार्टफोन गिर जाता है कुछ भी हो, या आप गलती से किसी चीज़ में मार दो गलती से, तो भाई उसकी डिस्प्ले वगैरह चटक सकती है, बट इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट है, तो दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और पीछे की साइड तो आपको सिरेमिक बैक मिलती है, तो वहाँ भी भाई कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो भी गिर जाए स्मार्टफोन कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो कर्व डिस्प्ले है, कर्व मतलब जो थोड़ी सी गुलाई में डिस्प्ले है, तो जो काफ़ी अच्छा लुक देती है। देन अब बात करें इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आपको ना इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 888+ का आपको प्रोसेसर मिलता है, तो समझ लो 888+ अलग ही एकदम नया आपको प्रोसेसर मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। आप इसमें गेमिंग वगैरह हाई सेटिंग पे आप खेल पाओगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं,
गेमिंग आप काफ़ी अमेजिंग तरीके से खेल पाओगे, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली चीज़ नहीं है। प्रोसेसर भी आपको काफ़ी अमेजिंग मिलता है। एंड दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना आपको तीन कलर में मिलता है, वाइट, ब्लैक, ग्रे। तो आपका मन हो भाई आप किसी भी कलर में इसको ले सकते हो, बट अभी चाइना में तो आपको चाइना से मंगाना पड़ेगा, इंडिया में आएगा तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, शायद एक आध कलर और जुड़ जाए, सो इसकी कोई आइडिया भी नहीं है। देन दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो भाई देखो स्मार्टफोन में हो या किसी भी चीज़ में बैटरी और कैमरे वगैरह बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसमें जो बैटरी है ना वो आपको 4500 mAh की मिलती है, तो एक नॉर्मल बैटरी आपको मिलती है। देन दोस्तों आपको जो इसमें चार्जर मिलता है ना भाई वो है 120 W का आपको चार्जर मिलता है। और एक ना ऑप्शन है इसमें स्मार्टफोन में बूस्ट मोड करके, अगर आपने वो ऑन कर दिया ना और आप इस चार्जर से इसको चार्ज कर रहे हो तो बिल्कुल भाई 15 मिनट लगेंगे आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल मोड पे भी आप इसको चार्ज करोगे कोई भी मोड नहीं लगा के तो भी 25 मिनट में आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ना जो मिलता है भाई चार्जर वो है 120 W का, जो कि थोड़ा हैवी चार्जर है बट फास्ट काम करता है, तो काफ़ी अमेजिंग है। एंड ये स्मार्टफोन ना भाई 50 W तक वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। आपकी गड्डी वगैरह में भाई वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम होता तो वहाँ आपका स्मार्टफोन इजी तरीके से चार्ज हो जाएगा, तो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एंड अब बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। भाई कैमरा बहुत बड़ा चीज़ होता है स्मार्टफोन में, मतलब कोई भी बंदा लेने जाता है स्मार्टफोन तो सबसे पहले कैमरे पर ज़्यादा ध्यान देता है, देखता भाई कैमरे की क्वालिटी कैसी है, मतलब कैमरे पर सबसे पहले ध्यान जाता है। तो आपको ना इस स्मार्टफोन में बैक साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जो कि है 108+13+8, और भाई जो लास्ट वाला है ना 8 वाला, ये आपको 50x तक जूम आपको प्रोवाइड करता है, मतलब आप बहुत दूर तक की चीज़ बहुत पास से देख पाओगे, 50x जूम, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। देन दोस्तों आपको ना जो फ्रंट में जो कैमरा मिलता है भाई वो है अंडर डिस्प्ले कैमरा, जो कि आपको दिखता तक नहीं, मतलब आप देखोगे भाई आपको वो कैमरा भी दिखेगा नहीं, और वो है भाई 20 MP का। तो उससे ना आप फोटो वगैरह लोगे तो आपको ना कार्टूनी टाइप से भाई फोटो मिलते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल क्लियर मिले, तो काफ़ी ठीक है, मतलब आपको सामने की साइड कैमरा नहीं दिख रहा, नई चीज़ डेवलप करी है शाओमी ने, सो काफ़ी बढ़िया लगा। एंड बस यही चीज़ें स्मार्टफोन में, जो कि भाई ग्लोबली अभी लॉन्च हुआ है, इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो सेरेमिक बैक आपको मिलती है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, 120W का आपको इसमें चार्जर मिलता है, मतलब चीज़ें आपको काफ़ी इंप्रेसिव इस स्मार्टफोन में मिलती हैं। सो वेट करते हैं कब तक आता है इंडिया में, या आता है कि नहीं आता कोई पता नहीं, वैसे मैंने सुना था इसके बारे में, पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाइना वाइना में जहाँ भी आई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा ढूंढ ढंड के, तो आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, बाय करोगे तो कर लो भाई, चाइना से बाय आप कर सकते हो। एंड तो आपसे मिलते हैं भाई नई वीडियो के साथ, तब तक।